थाना क्षेत्र के NH 80 कांजिया बाईपास पर बुधवार की देर शाम चलती पिकअप वैन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने साहस जुटाकर आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया, लेकिन आज की लपटें इतनी ज्यादा थी कि आग पर काबू पाना काफी मुश्किल था। इधर स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मधुसूदनपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा के वक्त ड्राइवर अपने वाहन से कूद कर जान बचाए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने के वजह से पिकअप वाहन में आग लगी है। इधर घटना के बाद अग्निशमन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में पिकअप वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया है। स्थानीय मुकेश का कहना है कि अचानक बाईपास पर आग की लपटें दिखी। जब करीब जाकर देखा तो वाहन में आग लगी हुई थी। घटना की जानकारी तुरंत 112 टीम को दी गई, उसके बाद मधुसूदनपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद मधुसूदनपुर पुलिस ने अग्निशमन टीम को घटना की जानकारी दिया। इधर मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पा लिया। मुकेश ने बताया कि दोपची की तरफ से गाड़ी आ रही थी, कंजिया बाईपास के समीप यह हादसा हुआ है। मधुसूदनपुर थाने के ऑन ड्यूटी ऑफिसर का कहना है कि घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद फौरन इसकी जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। कागजी प्रक्रिया की जा रही है। मिला ड्राइवर के द्वारा कि यहाँ पे गाड़ी में हमारे आग लगी।